फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट वाईएसके। आज बात करेंगे रोल ऑफ क्रेन ऑपरेटर, उसके बाद उससे रिलेटेड दो और होते उनके बारे में, जैसे कि रिगर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, बैंक्समैन या सिग्नल मैन का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रोल ऑफ क्रेन ऑपरेटर का क्या रहेगा। तो क्रेन ऑपरेटर का रोल के बारे में जानते हैं। द ऑपरेटर इज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ क्रेन ऑपरेशन। तो एक्चुअली जो ऑपरेटर क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो क्रेन का ऑपरेशन हो रहा है वो सेफली हो। तो इनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए क्रेन ऑपरेटर को, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले, क्रेन ऑपरेटर शुड नो द क्रेन कैरेक्टरिस्टिक एंड इट्स फंक्शन। तो क्रेन ऑपरेटर को क्रेन के अंदर क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कैरेक्टर है, उसको जानना जरूरी है, और उसके क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में उसको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ क्रेन ऑपरेटिंग मैनुअल। तो उसके जो क्रेन का मैनुअल होता है उसके बारे में उसको फुली नॉलेज होना चाहिए, ताकि कहीं कोई मिस्टेक उससे ना हो। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ क्रेन लोड चार्ट एंड इट्स कैलकुलेशन। तो क्रेन का लोड चार्ट क्या बताता है और इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं जिससे सही डायरेक्शन में काम किया जाए, तो इसके बारे में भी उसको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है एडवाइस ड्यूरिंग इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ क्रेन एज पर गाइडलाइंस ऑफ मैनुफैक्चर। अगर क्रेन का इंस्पेक्शन हो रहा है या मेंटेनेंस हो रहा है, तो उस समय वो अपना एडवाइस दे सकता है कि मैनुअल गाइडेंस क्या बोलता है, तो उसके आधार पर उसका इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस किया जाए। नेक्स्ट है मॉनिटर एनी साइट कंडीशन डेट में इफेक्ट क्रेन ऑपरेशंस। तो इसमें इसको देखना ये जरूरी है कि जहाँ पे क्रेन ऑपरेशन कर रहा है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसका मॉनिटर करना उसका फंक्शन है। जैसे कि कहीं क्रेन ऐसी जगह काम कर रहा है जहाँ की ओवरहेड पावर लाइन हो, तो उसको नज़र में रखते हुए उसको काम करना है, ताकि उसके साथ इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट नहीं हो क्रेन का। नेक्स्ट देखेंगे इन्फॉर्मेशन टू द अथॉरिटी ऑफ एनी प्रॉब्लम विद द मशीन डेट में इफेक्ट द ऑपरेशन। अगर क्रेन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस केस में उसको कंसर्न अथॉरिटी को इमीडिएट बताना है, ताकि ऑपरेशन के टाइम में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट देखेंगे रिकॉर्ड एंड मेंटेनेंस ऑफ द क्रेन एट द साइट लेवल। तो साइट लेवल पे जो क्रेन का मेंटेनेंस होता है, तो उसका रिकॉर्ड रखना जिम्मेदारी है, ताकि पता चले इसका मेंटेनेंस कब हुआ था। तो ये सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक क्रेन ऑपरेटर के। चलिए अब देखते हैं दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि रिगर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है क्रेन ऑपरेशन के फंक्शन में, उसके ऊपर बात करते हैं। रिगर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, रिगर इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट ए सेफ रिगिंग एंड लिफ्टिंग प्रोसेस। तो रिगर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिगिंग ऑपरेशन में, जहां पे रिगर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि रिगिंग सेफली हो और लिफ्ट प्रोसेस है जो सेफली हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो रिगिंग सेफ या लिफ्टिंग प्रोसेस सेफ होगा, उसका क्या क्या चीज़ों पे उसको ध्यान देना पड़ेगा, तो इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले रिगर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या हो देखते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट रिगिंग गेयर एंड इक्विपमेंट। तो उसका काम क्या होता है, रिगिंग गेयर और इक्विपमेंट को सेलेक्ट करना, सही ढंग का रियर लिफ्टिंग गेयर और इक्विपमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है फिजिकल विजुअल इंस्पेक्शन लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल, मैंने फिजिकली उसको देखना जरूरी है कि कहीं लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं उसमें कुछ डैमेज तो नहीं है, उसके बाद ही उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लिंगिंग डिसलिंगिंग एंड स्टोरिंग रिगिंग इक्विपमेंट राइटली। तो स्लिंग लगाना, जब लिफ्ट हो रहा है तो उसमें स्लिंगिंग करना, लिफ्ट हो गया तो डिसलिंग करना, मतलब स्लिंग को निकाल देना, और फिर उन सारे स्लिंग को किस तरह से स्टोर करना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो रिगर की होती है। नेक्स्ट देखेंगे नोइंग द लोड कैपेसिटी ऑफ द रिगिंग गेयर। उसको ये भी जानना जरूरी है कि जो रिगिंग गेयर का वो सिलेक्शन कर रहा है उसकी कैपेसिटी कितनी है, क्या उस कैपेसिटी से उस काम को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो इसकी नॉलेज उस रिगर को होना जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे नोइंग क्रेन लिफ्टिंग कैपेसिटी। उसको ये भी जानना जरूरी है कि जिस क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है उस क्रेन की कैपेसिटी उस लोड के उठाने के लिए परफेक्ट है या नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द लोड सेफ साइज एंड वेट, क्योंकि उठाना इसी को है, रिगिंग इसी को करना है, इसलिए रिगर को चाहिए कि लोड का शेप क्या है, किस शेप में लोड है, उसकी साइज कितनी है और उसकी वेट कितनी है उस लोड का, इसका जानना उसके लिए जरूरी है।
नेक्स्ट देखेंगे अंडरस्टैंडिंग हाउ टू रिगिंग एंड कंट्रोल द रोड। ये भी जानना जरूरी है कि रिगिंग किस तरह से करें और उस लोड को किस तरह से कंट्रोल करें, इसका भी जानना उसके लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये हो गया रोल्स ऑफ रिगर। चलिए अब देखते हैं रोल्स ऑफ सिग्नल मैन का क्या होना चाहिए, उसके बारे में देखते हैं। चलिए अब जानते हैं रोल ऑफ सिग्नल मैन या बैंक्समैन, इसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बैंक में सिग्नल मैन का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ क्रेन ऑपरेटर और लाइन ऑफ साइट टू द कम्युनिकेशन बेल। तो ए है जो इसका जरूरी होना चाहिए, क्रेन ऑपरेटर के सामने खड़ा होना चाहिए ताकि क्रेन ऑपरेटर को देखे वो क्या सिग्नल दे रहा है। नेक्स्ट देखेंगे इफ नॉट पॉसिबल टू स्टैंड फॉर्म इन फ्रंट ऑफ क्रेन ऑपरेटर देन यूज कम्युनिकेशन डिवाइस सच एज व्हीसल या रेडियो। अगर ये कभी कभी लोड को इस जगह रखना होता है, इरेक्शन करना होता है जहाँ पे कि क्रेन सिग्नल मैन क्रेन ऑपरेटर के सामने नहीं हो सकता, तो उस केस में कम्युनिकेशन करने के लिए वहाँ पे व्हीसल या रेडियो का इस्तेमाल करना जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे बार्न अदर ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ द लोड। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर लोड मूवमेंट हो रहा है, क्रेन का ऑपरेशन चल रहा है, तो दूसरे लोगों को वार्न करना है कि उस एरिया में नहीं आए क्योंकि क्रेन का ऑपरेशन चल रहा है। नेक्स्ट देखेंगे नेवर स्टैंड बिलो द लोड और बिटवीन लोड और एनी ऑब्स्ट्रक्शन। तो यहाँ पे ध्यान देखना है, खुद है जो लोड के नीचे खड़ा ना हो, उसी लोड के बीच बीच में खड़ा नहीं हो, या कोई वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो उसके बीच में खड़ा नहीं हो, क्योंकि इन दोनों ही केस में कहीं लोड के बीच में खड़ा है कोई ऑब्जेक्ट और लोड के बीच में या कोई ऑब्स्ट्रक्शन के बीच में, अगर लोड में मूवमेंट किसी कारण से होता है तो है जो उस आदमी को हिट कर सकता है, सिग्नल मैन को हिट कर सकता है, तो वहाँ पर खड़ा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद है चेक अदर एक्टिविटी विद इन द क्रेन ऑपरेटिंग एरिया टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट। ये भी देखना जरूरी है कि क्रेन ऑपरेशन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे कोई दूसरी एक्टिविटी तो नहीं चल रही है, तो उस एक्टिविटी को वहाँ पे उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अभी आपने देखा कि रोल ऑफ क्रेन ऑपरेटर का क्या होना चाहिए, रिगर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, और बैंक्समैन या सिग्नल बेल का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए जब क्रेन का ऑपरेशन चल रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।